गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू स्मार्ट एडवाइस स्टाइल कैमरा टेस्टिंग ऑफ रेडमी 9 पावर। तो गाइस इस वक्त मैं ओली उत्तराखंड में हूँ एंड मैं कैमरा टेस्टिंग कर रहा हूँ रेडमी 9 पावर की। तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है एंड ये जो वीडियो है वो फुल डिटेल टेस्टिंग होने वाली है इसके कैमरा की। तो सारे शॉट्स ओली के नहीं होंगे बट आई वुड ट्राई टू कवर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। एंड गाइस जो ऑडियो है इसके इंटरनल माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है एंड अगर मैं इसके फ्रंट कैमरा की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो इस वक्त मैं वॉक कर रहा हूँ एंड जो स्टेबिलिटी है उसका आप आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं। गाइस किस तरीके से एक्सपोजर लेवल को सेट कर रहा है वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जहां पे भी मैं रोटेट हो रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो एक्सपोजर लेवल को सेट कर रहा है एंड मेरे फेस को बिल्कुल भी डार्क होने नहीं दे रहा। चाहे सन जो है वो मेरे पीछे से आ रहा है, स्टिल जो मेरा फेस है काफी ब्राइट है। तो अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना बिकॉज मैं सारे मोड्स इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। गाइस बाय द वे मेरा एक व्लॉग चैनल भी है स्पार्कलिंग कपल के नाम से, तो वहाँ पे आपको ओली का पूरा व्लॉग मिल जाएगा। तो जो वहाँ हमारा मेन इक्विपमेंट्स है या फिर गैजेट्स आप कह सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट, DJI ऑस्मो पॉकेट एंड कैनन 1500D, तो हम इससे सारा अपना व्लॉग जो है शूट कर रहे हैं एंड साइड बाय साइड रेडमी 9 पावर की भी कैमरा टेस्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब फ्रंट कैमरा की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट सेल्फी कैमरा, यहाँ पे इसकी इमेज काफ़ी इंप्रेसिव लगी 11,000 रुपीज़ के प्राइस के अंदर। जो इसकी इमेजेस हैं काफ़ी ब्राइट है एंड डायनामिक रेंज बैकग्राउंड के अंदर काफ़ी बढ़िया है एंड वहीं पे अगर लो लाइट की मैं बात करूँ तो लो लाइट में पिक्चर काफ़ी अच्छी आ जाती है। एंड इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा में पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड को ब्लर है इसने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है एंड एजेस को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने डिटेक्ट किया है, तो कहीं पे भी मुझे यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। एंड गाइज यहाँ पे हमको मूवी मोड भी देखने को मिल जाता है जिसके अंदर ये सिंपली ऊपर के जो बॉर्डर्स हैं उनको ब्लैक कर देता है एंड लो लाइट के अंदर भी इसकी इमेज काफ़ी अच्छी है पोर्ट्रेट मोड में। एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर भी इसके कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज कितनी ब्राइट एंड क्लियर है। वैसे तो Redmi 9 Power का जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है बट ये बाय डिफॉल्ट 9 मेगापिक्सल की पिक्चर्स को क्लिक करता है 9:16 रेशो के अंदर एंड यहाँ पे जो इमेज क्लैरिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब यहाँ पर डायनेमिक रेंज को देखिए बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। 11,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इसकी इमेज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर जो कलर्स हैं एकदम नेचुरल आते हैं, थोड़ी सी येलो स्टेंट ज़रूर आता है बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल पिक्चर्स आती है। बट अगर लाइट जो है काफ़ी ब्राइट है तो यहाँ पे जो कलर्स हैं बहुत ही एक्यूरेट हैं एंड जो पिक्चर है काफ़ी पंची है। इनफैक्ट डायनेमिक रेंज को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करती है, आप यहाँ पे क्लाउड्स को देख सकते हैं। तो नेचुरल लाइटिंग के अंदर यहाँ पे जो इमेज की क्लैरिटी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगी एंड जो कलर्स हैं काफ़ी बढ़िया निकल के आते हैं। आप एक सैम्पल को और देखिए, यहाँ पे जो ऑरेंज ग्रीन एंड येलो है बहुत ही अच्छे हैं एंड इस वाले पिक्चर में देखिए रेड ग्रीन एंड येलो भी काफ़ी पंची निकल के आते हैं। एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर भी इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। यहाँ पे ओवर सैचुरेटेड इमेजेस मुझे कोई भी नहीं लगी, एकदम नेचुरल कलर्स यहाँ पे निकल के आते हैं एंड ना ही कैमरा के AI ने इसको ज़्यादा ब्राइट किया है। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स को देखिए एकदम एक्यूरेट हैं एंड कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड गाइज अगर आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं एंड यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दे, दैट वुड रियली मेक माई डे ग्रेट। एंड गाइज यहाँ पे अगर लो लाइट इमेजेस की बात करें तो उसके अंदर भी इसके कैमरा ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। तो यहाँ पे आप लो लाइट के अंदर फोटोज़ देखिए काफ़ी अच्छी निकल के आती हैं 10,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज के अंदर। जो फ़ोन है इसका कैमरा मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा एंड जो कलर्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। तो गाइस 10,000 से 11,000 रुपीज़ के रेंज के अकॉर्डिंग इस फ़ोन की जो क्लैरिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी बट अगर वहीं पे आप Redmi Note 9 Pro या Max से कंपेयर करें तो उसकी क्लैरिटी यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। सो गाइस टॉकिंग अबाउट द 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड की जो इमेज क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी बट वहीं पे अगर उसको मैं प्राइमरी कैमरा से कंपेयर करूँ तो प्राइमरी कैमरा की इमेजेस ज़्यादा ब्राइट हैं, अल्ट्रा वाइड कैमरा के अंदर जो इमेजेस है वो डार्क है बट क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है एंड वहीं पे प्राइमरी कैमरा के अंदर जो इमेजेस है वो ब्राइट निकल के आती हैं। इन शॉर्ट प्राइमरी कैमरा का जो अपर्चर है वो f1.8 है एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा का अपर्चर f2.2 है। तो प्राइमरी कैमरा के अंदर जो लाइट है वो ज़्यादा कैप्चर होती है बड़े अपर्चर होने की वजह से एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा के अंदर जो लाइट है वो कम कैप्चर होती है छोटे अपर्चर की वजह से। एंड टॉकिंग अबाउट द 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर जो कि बोके मोड के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल ही डिजास्टरस है गाइज। आप यहाँ पे देखिए प्रॉपरली बैकग्राउंड को ब्लर बिल्कुल भी नहीं कर पाया मेरे मल्टीपल शॉट्स लेने पर भी
एंड जिस शॉट के अंदर इसने बैकग्राउंड को ब्लर किया है वो भी बहुत ही एक्यूरेट नहीं है। अब यहाँ पे इमेज को देखिए कितनी ज़्यादा डार्क आई है, मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा डार्क है एंड जो एजेस है वो भी प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन नहीं है। आप मल्टीपल शॉट्स पे देख लीजिए, इसका जो डेप्थ सेंसर है मुझे एकदम यूजलेस लगा। वैसे तो 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर एकदम यूजलेस होते हैं, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो इसका मैक्रो कैमरा है मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। आप यहाँ पे इमेजेस की क्लैरिटी को देखिए, 2 मेगापिक्सल के अकॉर्डिंग इमेज की जो क्लैरिटी है एंड जो इसके अंदर इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है एंड मैक्रो सेंसर यहाँ पे इसका थोड़ा मुझे अच्छा लगा। सो टॉकिंग अबाउट द 48 मेगापिक्सल कैमरा सैम्पल्स, तो इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो मुझे जस्ट ओके लगी, बट गाइस डायनेमिक रेंज ज़रूर मिसिंग है, बट जूम करने पे जो इसकी इमेज की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। आप यहाँ पे एक सैम्पल देख सकते हैं, बिल्कुल भी पिक्सल्स नहीं फट रहे इतना दूर का जूम करने पे। एक सैम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ, तो इसके अंदर भी अगर मैंने इमेज को जूम किया है तो आप दूर से क्या दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली इसकी इमेजेस में देख सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे ये लगा कि इसके अंदर जो आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर 48 मेगापिक्सल की क्लैरिटी है वो भी जूम करने पे बिल्कुल भी पिक्सल्स नहीं फटते, बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस Redmi 9 Power की अगर मैं वीडियो कैपेबिलिटीज़ की बात करूँ तो इसके अंदर आप मैक्सिमम फुल HD एंड 30 फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड ये भी जो वीडियो है वो फुल HD एंड 30 फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर है, बट जो फोटेज है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा शेकी लगी एंड ओवरऑल अगर आप इसको वीडियो बनाते हुए वॉक कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शेकीनेस आएगी। एंड ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है इसके वाइड एंगल कैमरा में, तो इसके अंदर भी आपको EIS या OIS देखने को नहीं मिलता, इसकी भी फुटेज काफ़ी ज़्यादा शेकी मुझे यहाँ पे लगी, बट ओवरऑल जो डेप्थ ऑफ फील्ड है एंड जो एक्सपोजर लेवल है उसने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। एंड गाइज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 720x240 फ्रेम्स पर सेकेंड स्लो मोशन के अंदर एंड इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी पुअर लगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पिक्चर है काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गई है एंड क्लियर बिल्कुल भी नहीं लगी मुझे यहाँ पे। सो गाइस कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो Redmi 9 Power का जो कैमरा है मुझे जस्ट ओके लगा। ये जो फ़ोन है बिल्कुल भी कैमरा सेंट्रिक नहीं है, बट ओवरऑल ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा है एंड इसका मैंने फुल रिव्यू भी किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, तो इसका लिंक आपको ऊपर कार्ड्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपका बजट 10 से 11 हज़ार रुपये का है एंड अभी कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप Redmi Note 9 Pro या फिर Samsung Galaxy M21 चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ही फ़ोन का मैंने कैमरा रिव्यू किया हुआ है एंड दोनों ही फ़ोन के जो कैमरा है काफ़ी अच्छे हैं, तो उन दोनों का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर कार्ड्स के अंदर दे दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द कैमरा रिव्यू ऑफ Redmi 9 Power। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड यूजफुल लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अंटिल देन कीप रॉकिंग एंड कीप इन।